Okay, so that's uh, good evening, uh, everybody. And today we are joined with uh, uh, one of my former colleagues who did PhD with me, uh, me, and uh, we will be listening from him his life journey and. Uh, एंड बिफोर आई इंट्रोड्यूस हिम मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ की जो मंच है वो नॉलेरियंस का है और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कर, कर रहे हैं ज्ञान और अनुभव के बारे में कि आपकी जो अपनी जीवन यात्रा होती है उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं बहुत सारे बॉटल लेक्स होते हैं हाउ डू यू ओवरकम दम एंड ब्रिजेश स्टोरी इज वन ऑफ द एक्सलेंट स्टोरी टू मी आई है लिटिल बीट Uh, about uh, bridges. Mm. Can you see my slide, bridges? Yeah, I can. I can see you, Hi and I can see you. Yeah, and I so, can see your slides. Yeah. So we are on Nolarians, and this uh, this platform basically invites people to share their journey in their life and how they have. Contributed to create a better world and what we can learn from the people who are around us. So, now in today's session, we have uh, Bridges, Dr. Brijesh Kumar Pandey, who is a scientist. And for me, everyone who has undergone a training uh, uh, in rational thinking, irrespective of whether he had a position or not, he or she he is a scientist and for me uh, bridges is an excellent scientist because of his thought process and he is also a grand pradhan so we will hear from him and uh, i will be the host today talking with uh, bridges and uh, my interaction with bridges uh, uh, dates back to uh, around 15 16 years uh, when we started our journey in phd together uh, at cdri lucknow

और केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से गोरखपुर से वो आते हैं केमिस्ट्री में उन्होंने पढ़ाई की उसके बाद कैसे उस समय जो बायोटेक्नोलॉजी का भूम था और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बातें चलती थी तो उन्होंने अपने मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में किया फिर उनकी जो एक संघर्ष यात्रा रही स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और फिर कैसे ये सब होते हुए एक समय ऐसा आ गया कि जब वो मतलब ही वॉज थ्राइविंग वेल इन ही साइंटिफिक कैरियर आगे बढ़ते हैं यूएस में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और ट्रेनिंग के ही दौरान उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके जो गुरु हैं उनका एक कॉल आता है कि यू नीड टू रिटर्न एंड कंट्रीब्यूट बैक और ऑन द कॉल ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर ही कम्स बैक एंड टेक द चार्ज एज अ कस्टोडियन ऑफ द ऑफ अ टेम्पल एंड द टेम्पल वो, वो जो सारा जो कार्य है टेम्पल का वो जनहित में होता है और उसके कॉलेजेस हैं है। तो वे बैक इन फाइव सिक्स इनिशियम चेंजेस एंड टू समेर डाउन द लाइन टॉक हिमसेल्फ अबाउट दिस बट समेयर डाउन द लाइन ही रियलाइज दैट टू बी कंपिटेंट इनफ टू सर्व द सोसाइटी टू सर्व दीपल ही नीड्स to integrate well with the people out there और उसके लिए उन्होंने चुना कि अब समाज सेवा को ही अपना जो है मूल क्षेत्र बनाना है और इस तरह से उन्होंने ग्राम प्रधान के रूप में अपना जो अभी अभी का जो कार्य क्षेत्र है वो शुरू किया तो जानेंगे ये यात्रा के बारे में कनेक्टिंग बैक टू द रूट ऑन द कॉल ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड ये ऐप इसलिए है आज का जो ये है कि इससे हम जानेंगे कि एक जो मतलब हर आदमी की अपनी एक संघर्ष गाथा होती है लेकिन हम क्या उससे सीख सकते हैं इसका प्रयास करेंगे तो बिफोर आई इनवाइट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ पोएट्री ऑफ माइंड कि ना पाने की चिंता न खोने का भय है न प्रतिस्पर्धा है कोई न मन में संशय है न नक्शाए मंजिल है न कोई प्लान है मैं भी वही जो वो है

ना कुछ पाने की चाह है जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता गया रास्ते बनते गए पीछे जो चीजें थी उसमें जो मैंने किया उसको मैं देखता हूँ तो गर्व की भी अनुभूति होती है अच्छा भी लगता है लेकिन फिर रास्ते बदल जाते हैं नए आयाम जुड़ते हैं और फिर आप ये मैंने सीखा कि उस पर जो बीत गया उसमें बहुत ज़्यादा हैंग ऑन होने की जरूरत है मूव ऑन करने की जरूरत है ताकि आप लाइफ में और आगे बढ़ सकें जो आपके सामने है वो आप उसमें अपने पूरे समर्पण के साथ पूरे आपका जो भी ज्ञान है अनुभव है उस पर आगे बढ़ें और सब कुछ अच्छा होता है तो जैसा कि टाइटल तुमने दिया है विज्ञान से ग्राम प्रधान तक तो उधर से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कहा से शुरुआत की थी हमने जी। तो ऐसे तो फैमिली के बारे में ये कि फैमिली हमारी एक कंजर्वेटिव फैमिली है गांव का ही बैकग्राउंड है हम लोग का पिछली पीढ़ी में पापा लोग चाचा जी लोग शहर में पढ़ने के लिए आए और धीरे धीरे शहर में भी हमने घर बना लिया लेकिन गाँव से पूरी तरह से हम लोग जुड़े हुए थे और जो भी मेरी फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल टिल पोस्ट ग्रेजुएशन सारी एजुकेशन मेरी गोरखपुर में हुई तो प्राइमरी एजुकेशन और ये मिडिल क्लासेस को छोड़ देते हैं और सीधे आते हैं इस पे जो ग्रेजुएशन से मेरे स्टार्ट करते हैं मतलब वो एक टाइम होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं तो प्लस टू में मैंने मैथमेटिक्स ग्रुप से स्टडी किया था तो ऑब्वियस बात है कि हमारे पूर्वांचल में जैसी एक परंपरा है कि अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप से हैं तो आपका जो तो करियर होगा वो इंजीनियरिंग में होना चाहिए और अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो यू शुड गो फॉर द एम बी बी एस जैसे आमतौर तो पर जनरली लोग सोचते हैं तो मेरे भी मन में कहीं था कि ठीक है प्लस टू कर लिया है अब इंजीनियरिंग करूंगा तो कहीं कहीं ये भी था लेकिन कहीं कहीं ये भी एक दबाव था जैसे कि बताया कंजर्वेटिव फैमिली है तो लोगों को ये भी लगता था कि इंजीनियरिंग की तैयारी तो कर रहा है लेकिन अगर इंजीनियरिंग में नहीं हो तो एक ऑप्शन होना चाहिए तो बी में एडमिशन भी ले लो तुम और बाई चांस अगर नहीं हुआ इंजीनियरिंग में तो ठीक है लेकिन बी का भी रिजल्ट नहीं खराब होना चाहिए तो ये जो एक द, दबाव रहता है फैमिली का वो एक था तो इंजीनियरिंग वाला तो मेटेरियलाइज नहीं हो पाया मेरा जो ये था ड्रीम तो नहीं कह सकते एक प्लान जो था वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाया तो फिर हमने बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और फाइनल ईयर में जैसे कि हमारे यहाँ ये है कि ऑनर्स नहीं होता है हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपको कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर लेते हैं और दो सब्जेक्ट के साथ आप फाइनल ईयर कम्पलीट करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने कम्प्लीट किया और वो पूरा करने के बाद फिर मैंने सोचा कि पीजी में अभी फिर एक बार वही यक्ष प्रश्न सामने था कि क्या करें हाँ। आ, अभी इंजीनियरिंग तो की नहीं लेकिन अभी भी एक कहीं पे एक कीड़ा था कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स ये तो उस समय एक बूम था एमसीए और कंप्यूटर एप्लीकेशन ये करने का तो, हमने सोचा ठीक है एम में ट्राई करते हैं तो उस समय यूपी में एक यूपी स्टेट की कम्बाइंड परीक्षा होती थी जिसमें सारे कॉलेजेस का एक ज्वाइन स एग्जाम होता था जिसको यूपी सीट उस समय बोलते थे तो वो परीक्षा हमने दी और इसके अलावा अगर चांस मैंने उसमें नहीं हुआ तो हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ही एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम था जिसमें सीटें बहुत लिमिटेड थी और उसमें भी ज्यादा सीटें रिजर्व थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो वो मतलब नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक या दो सीटें थी रिजर्वेशन वगैरह निकालने के बाद तो वो भी हमने दिया और जब यूपी सीट का हमने रिजल्ट देखा तो हमारा जो रैंक वाला कॉलम था मुझे लगा कि वो गलती से उसमें किसी का पिन कोड लिखा हुआ है लेकिन ध्यान से देखा तो वही मेरी रैंक थी।, <laughs> थी तो <laughs> <laughs> वो तो तो वो एक तरह से वो फिर वो भी फिर मेरा प्लान मेटेरियलाइज नहीं हुआ और नहीं। नहीं। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला प्लान भी मेरा मेटेरियलाइज नहीं हुआ एक ही दो सीट थी तो उसी समय ये भी बायोटेक्नोलॉजी का भी जो एक था मतलब लोगों में बड़ी बड़ी चर्चा थी कि इसमें भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है और ये नया सब्जेक्ट है इसको कर सकते हैं और एक साल पहले ही हमारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी का शुरू हुआ था तो उसका इंट्रेंस एग्जाम भी हमने दे डाला था ऐसे की चलो ठीक है यार ये भी एक है हालांकि मुझे थोड़ा ऐसे थोड़ा एक अप्रिशिएशन था कि ये बायोटेक्नोलॉजी है बायोलॉजी के लिए जानना जरूरी है लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि मैथ्स ग्रुप के भी बच्चे एलिजिबल थे तो मैंने सोचा ठीक है यार एग्जाम दे देते हैं तो एम में तो मेरा नहीं हुआ MSC Electronics में भी नहीं हुआ, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम में, में मेरी फर्स्ट रैंक आ गई बायोटेक्नोलॉजी हाँ, के जी तो मैंने <laughs> सोचा यार कि अब तो वैसे भी और तो कुछ ऑप्शन है नहीं हाँ, तो देख लेते हैं करके देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है तो तुम्हारा अपना बायोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा था बायोलॉजी मैंने बस अप टू क्लास मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी हाँ. जी. और उस समय मुझे बिल्कुल बायोलॉजी पसंद नहीं आती थी लेकिन क्योंकि साइंस <laughs> अगर आप लेते हैं तो वो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना तो बस <laughs> <मैं पढ़ता> था <laughs> लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता था तो वो जैसे होता है बचपना होता है आपको चीजों की गहराई से समझ नहीं होती तो इस तरह का एक आपका परसेप्शन बन जाता है बहुत सारी चीजों के प्रति तो एक परसेप्शन ही था उसमें कोई बुराई नहीं है इंटरेस्ट वाली बात है उस समय इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मुझे खैर पर मैंने बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया और या, हमारे यहाँ जो फैकल्टी थी वो वो लोग बहुत अच्छे थे मैं लगभग शुरू के छह महीने ब्लैंक फेस के साथ बैठा रहता था क्लास में ऐसा नहीं कि वो हार्ड को बायोलॉजी वो पढ़ाते थे लेकिन जो भी चीजें थी जो आ, जैसे थोड़ा बहुत इसमें बैक्टीरिया के बारे में बातें होती थी वायरस के बारे में बातें होती थी और डीएनए आरएनए के बारे में बातें होती थी तो डी एन ए आर एन ए के बारे क्योंकि हमारा एक पेपर था तो एक मुझे थोड़ा सा फेंट्स आइडिया तो था कि हाँ ये सब होता क्या है लेकिन वो उसका जो ये बैक्टीरिया वायरस और कैसे ये सारी चीजें आप करते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है आपका सेल बायोलॉजी है तो ये सारी चीजें मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी उस समय लेकिन फिर भी लोग पेशेंट के साथ हमारे जो गुरुजी लोग थे जो फैकल्टी थी तो वो लोग मुझे वो जानते थे कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का था और मैं अकेला था 16 के बैच में 16 जो उसमें स्टूडेंट थे उनके बैच में मैं अकेला मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का था तो मेरे जो फ्रेंड्स भी थे जो मेरे बैचमेट थे वो लोग भी जानते थे और काफी कोऑपरेट करते थे वो मुझे चीजों को समझने में इसके अलावा जो मेरे दूसरे फ्रेंड थे जो मेरे साथ नहीं पढ़ते थे लेकिन बायोलॉजी जिनसे पढ़ी थी उनसे भी मैं जाकर समझने की कोशिश किया तो उससे तो मुझे हेल्प मिली ही और एक मैं कहूंगा कि मैं लग कहूंगा अपना की मेरे हाथ में बायोकेमिस्ट्री की जो ल्यूबर्ट स्प्रायर की जो बुक है वो मैंने पढ़नी शुरू की मैंने सोचा कि इतना मैं इधर उधर घूम रहा हूँ मैं वहीं से पढ़ना शुरू करता हूँ और पहले पेज से उसके मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया और वो बुक इतने अच्छे तरीके से जो ऑथर है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ एक तरह से शेप करने का मुझे इसमें आगे बढ़ने की वो है प्रेरणा है वो मुझे उसी बुक से मिलती है मुझे चीजें समझ में आने लगी चीजें मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ में आने लगी कि मैं अब अपने क्लास के और बच्चों को समझाने लगा कुछ चीजें जो चीजें मैं पहले दूसरों से समझ रहा था अभी भी मुझे जो जैसे जो जैसे जिन चीजों में हार्ट को आपको प्लांट साइंस या वो बैक्टीरिया फंजाई था वहां पे अभी भी मैं कमजोर था लेकिन बायो केमिस्ट्री इम्यूनोलॉजी सेल बायोलॉजी ये जो चीजें थी ये मुझे अब ठीक से समझ में आने लगी थी तो खैर मैं उसमें आगे बढ़ा और धीरे धीरे अपना बायोटेक्नोलॉजी मैंने अच्छे मार्क्स के साथ उसको मैंने अपना बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स मैंने कंप्लीट किया फिर उसके बाद इसी दौरान सी एस आर की जो परीक्षा होती है फेलोशिप के लिए और ये जो लेक्चरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी मैंने दिया वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया और फिर गेट भी दिया मैंने वो भी क्वालिफाई कर लिया तो जैसे कि मैंने क्या कहा ना कि आप जब कुछ पाओलो कोहले की जो लाइंस हैं कि जब आप कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो पूरा प्रकृति भी आपको आप करता है आपको आगे बढ़ने में हाँ तो फिर ये सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए और फिर एक बार मैं अपना आ, ये तो हो गया फेलोशिप मुझे मिल गई अब ज्वाइन बैकग्राउंड रहा है, भी है तो बायोफिजिक्स और स्ट्रक्चर बायोलॉजी में मैं कुछ काम कर सकता हूँ उसमें काफी सारा कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन का यूज करना होता है तो मेरा बैकग्राउंड मुझे हेल्प करेगा तो ये सोच के फिर एक बार मैंने भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूट का भ्रमण शुरू किया तो उसमें मैं एम्स किया जैसे बैंगलोर गया जीएनसीएसआर गया Uh, फिर सी डी हैदराबाद और इन सारी जगहों पे मैंने ऑप्शन एक्सप्लोर किया और ये सारा करने के बाद जगह जगह इंटरव्यूज देने के बाद फाइनली मुंबई में, में मेरा सिलेक्शन हुआ पे मुझे काम करना था इस पे लैब मलेरिया वाला था क्या नहीं वो नहीं, मलेरिया की की लैब नहीं थी मैं आ, उसको रिकॉल करने कोशिश कर रहा हूँ ये इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन और इस तरह का जैसे कुछ आप... बायो इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं आप अच्छा, तो।, अच्छा, तो उस तरह का कुछ वो सब्जेक्ट था आ, तो वहाँ पे फिर मैंने अपना शुरू किया तो शुरू में तो वहाँ पे आपको लैब कम करना होता है पहले आपको थोड़ा स्टडी क्लासेस करनी होती आप कोर्स वर्क अपना एक जो है उनका उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है क्रेडिट सिस्टम है कि आप कितने क्रेडिट स्कोर जब करते हैं तब आप फुल्ली उसमें इनरोल्ड होते हैं अपने पी एच प्रोग्राम में तो वो सब मैं कर रहा था इस बीच में मैं फिर थोड़ा लैब के बारे में भी मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि क्या काम करना है और ओवरऑल थोड़ा मुझे मतलब ऐसे लगा कि शायद अप्रोप्रिएट नहीं है ये मुझे मेरे लिए तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था फिर भी मैंने उस इंस्टीट्यूट से रिजाइन कर दिया मैंने सोचा कि मैं अपना तो टाइम बर्बाद करूंगा ही जो मेरे सुपरवाइजर हैं और जो वो हैं उनका भी रिसोर्सेस में क्यों वेस्ट करूँ तो वो छोड़ के फिर मैं घर पे आगे बैठ गया मतलब ये सारा सी एस आर गेट सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद आई आई बॉम्बे से वो करने के बाद तो आई बॉम्बे के बारे में लोग सुनते हैं बहुत प्रेस्टिजियसूट है तो कई लोगों ने मुझे सलाह भी दी कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, है आप क्यों छोड़ रहे हैं लेकिन कई बार होता है की जैसे आप जो पी का हमारा रिसर्च है वो उस तरह से काम नहीं करता वाला आप एक क्लासरूम में नहीं है कि आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं आप सब लोग मतलब ये सभी नहीं जाते हम लोग जानते हैं कि ऐसे होता नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस लैब में जा रहे हैं तो आपका इंस्टीट्यूट तो हो सकता है लैब भी हो सकती है लेकिन काम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी इम्पोर्टेंट exactly. हाँ। तो ये मैंने लोगों को समझाया कन्विंस किया कि मैंने बहुत गलत डिसीजन नहीं लिया है थोड़ा पेशेंस रखिए हैंग ऑन कुछ ना कुछ होगा खैर वहां से आई बॉम्बे से वापस आते वक्त मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए लखनऊ में रुका मेरा एक फ्रेंड था बिपिन मिश्रा तो मैं आते वक्त वहाँ पे लखनऊ में सोचा कि उसे मिलते हुए चलता हूँ तो उसने सुझाव दिया कि तुम इसमें स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में काम करना चाहते हो तो वो उस समय में उसने ज्वाइन कर लिया था नहीं। तो उसने बताया कि वहाँ पे एक साइंटिस्ट है तो उनसे तुम मिल लो एक बार तो फिर मैं डॉक्टर जीमुत कांति घोष के पास गया उनसे मिला मैं तो उस समय उनके पास पोजीशन ओपन नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा

तो जिसको उन्हों, जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया था किसी वजह से वो उस स्कूल में नहीं, नहीं ज्वाइन किया नहीं। हाँ तो फिर उन्होंने मुझे उस लैब में अपने इनरोल कर दिया पीएचडी प्रोग्राम में और फिर वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया हमारा पेप्टाइड सिंथेसिस का काम था तो पेप्टाइड सिंथेसिस तो मतलब उसका स्टार्टिंग वो था हमारा कोर ऑब्जेक्टिव हमारी लैब का था एंटी माइक्रोबिल पेप्टाइड्स को कैसे हम इस तरह से मॉडिफाई कर सके कि वो एक नए न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स का बन सके। हाँ। तो इसके बारे में अभी हम थोड़ा बात करेंगे कि ये कैसे होता है इसके बारे में भी थोड़ा हाँ। सा बताऊंगा सरल भाषा में उसको समझाना तरल भाषा में बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हाँ। तो हाँ। उसमें ये है कि अभी हम लोग जानते हैं कि आ... जो हमारी पुरानी एंटीबायोटिक्स अक्सर सुनने में आता है कि एंटीबायोटिक्स पुरानी काम नहीं कर रही हैं अभी नए नए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ रही है फिर अभी अभी जैसे हम सुनते हैं कि सुपर बग जो एक है जो वेरिएंट है उस पे भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए मैं एक अगर तुम कहो रही तो एक स्लाइड शेयर कर सकता हूँ जिसमें वो कैसे ये है देख पा रहे हो उसको हाँ, देख पा रहा हूं। हाँ तो इसमें जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं कि एक में ये कौन -कौन से अलग से है, से है, से अलग क्लास ऑफ एंटीबायोटिक अलग अलग हैं तो ये अलग अलग क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं और वो कैसे काम करते हैं अगर आप एक लेमैन के लिए समझाएं तो जैसे ये होता है ना कि आपका दुश्मन है उसकी अलग अलग कमजोरियां हो सकती है ठीक है किसी की किसी की पैदल सेना कमजोर हो सकती है किसी की एयरफोर्स कमजोर हो सकती है किसी की नेवी कमजोर हो सकती है तो ऐसे ही एक जो हमारा जो जो जीवाणु होते हैं जो बैक्टीरिया या पैथोजें होते हैं जिनसे हमें रोग होते हैं तो उनकी भी अलग अलग कमजोरियां हैं तो अलग अलग कमजोरियों को ये अलग अलग क्लास ऑफ जो ये एंटीबायोटिक्स हैं टारगेट करते हैं कोई उसकी जो बाहर की जो उसकी खोल होती है जिसको हम बैक्टीरियल सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं कोई उसको टारगेट करता है कोई अंदर जाके कि उसी के किसी प्रोसेस को स्टॉप कर देता है कोई वाइटल प्रोसेस है जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है तो उसको भी कई बार स्टॉप कर देता है तो अलग अलग ये यह यहाँ पे आ, वो अलग अलग क्लास ऑफ पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हैं जो ये काम करते हैं लेकिन होता ये है कि समय के साथ ये थोड़ा एक ये भी है लोगों में अवेयरनेस के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आप दवा एंटीबायोटिक्स की दो डोज लेते हैं और आप ठीक फील करने लगते हैं और दवाएं खाना छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो होता यह कि वो जो अगर आपने डोज कंप्लीट नहीं की तो कुछ जो बैक्टीरिया बचे रह जाते उस में। आप ठीक तो करने लगते हैं लेकिन आपके अंदर अभी भी वो बैक्टीरिया है और वो फिर ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो हथियार है जिससे मुझे मारा जा रहा है मैं कैसे इससे बच सकता हूँ तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि अलग अलग उन्होंने मैकेनिज्म डाल रखा है अब उसमें जैसे ये मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है ई फ्लक्स उसमें वो क्या करते हैं कि जो आपकी दवा है जो उसके अंदर जाके कि उसको किल कर रही है मार रही है टारगेट कर रही है उसको पंप आउट कर देता है अपने शरीर से अपने मतलब अपने बैक्टीरिया की जो वो ये जो उनका सेल है दूसरा तरीका ये है कि जिस 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 चीज पे आप आक्रमण कर रहे हैं उसको ही वो मॉडिफाई कर देता है तो उसमें जब वो चेंज कर देगा तो आपने आपका जो मेडिसिन है फिर वो अपने टारगेट को पहचान नहीं पाएगी कि हाँ ये तो वही है उसकी पहचान तो किसी और के लिए थी। तो ये भी एक तरीका होता है या इस तरह की हैं। ये जो होते हैं वो उसको किल कर देते हैं तो लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उसके सेल वाल में कुछ

इस तरह का हमने इसमें कुछ अच्छा अच्छी अच्छी जानकारी निकल के सामने आई और उसके आधार पर कुछ पब्लिकेशन भी अच्छे आए इसमें और फिर हमारा पीएचडी इस तरह से हमने कंप्लीट किया और 2011 तो, के स्टार्ट में, में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई हो गई और फिर उसके बाद मैं पोस्ट डॉक्टर रिसर्च के लिए फिर मैं यूएस चला गया वहां पे पहले मैंने ज्वाइन किया एक यूनिवर्सिटी साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर में डॉक्टर सैली वार्ड तो उनकी लैब मैंने ज्वाइन की तो उनका तो जो काम था वो बेसिकली वो एक डिजीज होती है जो अपने देश में तो कम लेकिन पश्चिमी देशों में ज्यादा पाई जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो मल्टीपल पे को कैसे ट्रीट करें इसके लिए वो एंटीबॉडीज का इंजीनियरिंग करती थी तो काम मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो उनकी लैब मैंने फिर ज्वाइन की और उनकी लैब में मैंने कुछ दिन तक काम किया और इन द मीन टाइम मैं और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करते रहा कि जो मेरा बैकग्राउंड एक वर्क है तो सिंथेसिस का और उसके मॉडिफिकेशन का उसको भी मैं ये यहाँ पे इम्प्लॉय कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ तो फिर ब्रीगम यंग यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रिसेंटली ज्वाइन किया था डॉक्टर जोसुआ प्राइस तो उनके लैब में इस तरह का काम होता था जिसको मुझे लगा कि मैं अपना जो पीएचडी का वर्क है उसको ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव अपन कर सकता हूँ तो फिर उनकी लैब मैंने दो हजार एंड में उनकी लैब को मैंने ज्वाइन किया और फिर वहां पे हम जैसे पेप्टाइड को एज एंटीबायोटिक आप यूज कर सकें तो उसमें एक ये भी समस्या है कि उसके लिए जब आपके शरीर के अंदर जब आपकी मतलब ब्लड स्ट्रीम में खून में जब आप इंजेक्ट करते हैं या वो तो वो अक्सर जो हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी वजह से वो ज्यादा समय तक टिके नहीं रह पाते हैं तो अगर हम किसी तरह से इनका इनका जो आ, अगर इनका वो बढ़ा सके स्ट्रेंथ बढ़ा सके कि ये ज्यादा समय तक रह सके ब्लड स्ट्रीम एक्टिव तो वो बहुत हेल्पफुल होता है उसको एज अ मेडिसिन यूज करने के लिए क्योंकि फिर एक तो ये फायदा होता है कि आपके डोजेस कम हो जाते अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्टिव है के अंदर तो उसके लिए हमने क्या किया कि तो हम लंबी सी पूछ जैसी चेन भी एड कर देते थे तो इन सब चीजों से उसकी स्टेबिलिटी जो है हमने देखा कि इम्प्रूव हो रही है तो वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जिससे कि हमारा एक तो समस्या हमने सॉल्व की थी अपने पीएचडी काम में कि कैसे यूज कर करें पेप्टाइड्स को एज एंटी माइक्रोबियल तो वो पहला स्टेप था दूसरा स्टेप जो एक समस्या आती है वो कि वो उतना एक्टिव नहीं रहता तो उसको एड्रेस करने की कोशिश किया हमारे जो पोस्ट पीएचडी हमारा जो रिसर्च था साइंटिफिक तो उस पर भी हमारे कई अच्छे पब्लिकेशन निकल के आए और ये सब चल ही रहा था इसी बीच में फिर 2013 के एंड में मेरे जो गुरु हैं जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं तो उनकी कॉल आई कि मतलब अब तुमको विचार करना चाहिए वापस आने के बारे में अब यहाँ पे वो मुझे कुछ ऐसा उन्होंने सोचा हुआ है जो मुझे आ, मेरे लिए करना वो होगा एप्रोप्रिएट होगा अच्छा तो 2013 के एंड में फिर मैं वापस इंडिया आ गया थोड़ा सा द्वंद भी था लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि गुरु ने मुझे भी सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा तो इसलिए बहुत ज्यादा विचार न करते हुए मैं वापस आ गया और फिर उसके बाद जो मेरे गुरु जी थे वो एक हमारा महाराज का जो जनपद है उसमें एक बहुत प्राचीन मठ है वो सत्रह छियासी में उसकी स्थापना हुई थी और वो श्री जगन्नाथ जी का जो पुरी में विग्रह है तो वहां पे भी जगन्नाथ जी का विग्रह है और उसी के वो आठवें हैं। तो वो मंदिर है और उस मंदिर से जुड़ी हुई संपत्ति भी है स्कूल है। और उन्होंने उन्होंने मुझे फिर ये जिम्मेदारी दी कि तुम यहाँ पे आके समझो यहाँ पे जो भी विधि विधान है जो पूजा पद्धति है जो उत्सव है उनको कैसे मैनेज करना होता है साल में कई उत्सव मनाए जाते हैं अभी पॉसिबल होगा तो मैं कुछ क्लिप्स शेयर कर सकता हूँ उनकी बिल्कुल हाँ, हाँ, बिल्कुल तो सकते हाँ तो ये जो है एक मंदिर का मैं तुमको एरियल शॉट दिखाता हूँ ये देख पा रहे हो क्या तुम अपने स्क्रीन पे हाँ स्क्रीन तो दिख रहा है और उसमें बहुत सारे वीडियोस दिख रहे हैं तुम्हारा जो है अच्छा लेकिन ये अभी नहीं दिख रहा है नहीं अभी स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें ओके okay. हाँ अब just लगता just है कुछ आने वाला है हाँ uh. अभी कुछ आ तो नहीं रहा है जस्ट मिनट ट्राई कर रहा हूँ हाँ, तो ये हमारा जो ये है वहाँ का मठ है अच्छा अच्छा और हाँ, हाँ इस मठ के कई हिस्से हैं जो तुम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो हाँ, ये जो पार्ट है ये इसमें मंदिर है ये मंदिर का गुम्बज आप यहाँ पे देख सकते हाँ, हैं अच्छा, हाँ, 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 और हाँ, ये मंदिर इसका जो आर्किटेक्चर भी थोड़ा दूसरे स्टाइल का है मतलब पुराने समय में जैसे लोग अपने उस समय के जो घर बनाते थे बड़े जो ऐसे कोठी लोग बनाते थे तो उस तरह का कुछ इन्होंने उस समय बना हुआ जिसमें आगे के पोर्शन में ये जो देख रहे हैं तो इस पार्ट में ये हमारा मंदिर है ये जो मठाधीश का रेसिडेंस है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ग्रेनेड सामने ये गौशाला है अच्छा, अच्छा। गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है और यहाँ पे जैसे कोई प्रवचन या इस तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसके लिए यहाँ पे स्टेज है देख सकते हो तो कुछ लोग कार्यक्रम देख भी रहे कार्यक्रम के दौरान ही ये वीडियो शूट भी किया गया है तो ये हमारा एक पुराना मंदिर है और इससे जुड़ी जिम्मेदारियां भी हैं तो वो चाहते थे कि आप उस जिम्मेदारियों को समझ लें नहीं। 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 आ, क्योंकि जैसे पूरी में रथ यात्रा निकाली जाती है यहाँ पे भी रथ यात्रा निकाली जाती है बिल्कुल मंदिर जो है ये कितने साल पुराना मंदिर है देखने में तो बहुत पुराना स्ट्रक्चर लगता है हाँ, हाँ ये स्ट्रक्चर हाँ, पुराना है लेकिन ये स्ट्रक्चर उतना पुराना नहीं है जितना पुराना मंदिर है अच्छा, हमारा अच्छा, मंदिर ये जो है ये हाँ, 1786 में इसकी स्थापना हुई थी ओ, आ, उस समय हाँ, नेपाल के जो राजा थे महादत्त सेन हाँ, तो हाँ, ये उस समय जैसे बिल्कुल ऐसे क्लियर कट बाउंड्री थी नहीं अपने इंडिया की तो नेपाल के हां तो उस समय ये पार्ट को उस समय के लिए नेपाल का ही हिस्सा माना जाता था तो उस समय एक संत थे वो पुरी की पुरी से जा रहे थे वो मुक्तिनाथ नेपाल की यात्रा पे अच्छा। तो ऐसी मान्यता कि इस गांव में वो रुके थे और उनको स्वप्न तो में जगन्नाथ जी ने दर्शन किया कि इस जगह पे मेरी विग्रह की स्थापना करो तो ये बात राजा को बताई तो राजा जैसे पुराने समय होता था राजा लोग मंदिरों के संरक्षण के लिए उन्होंने यहाँ पे कहा कि ठीक है हम यहाँ पे एक जगन्नाथ जी के विग्रह की स्थापना करेंगे आप पूजा पाठ करिए और उसके मेंटेनेंस के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी जो है ये वो वो इससे एसोसिएट कर दी इस से, टेंपल से. तो फिर वो जो है जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी काफी तो जब हमारे देश में जब ये जमींदारी खत्म हुई तो उसके सीलिंग एक्ट लागू हुआ तो उसके ऐसे तो काफी सारी तो इसकी जो लैंड थे वो तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए जो उसके लिए जो लोग उसके वो कर रहे थे से, और फिर भी अभी भी इसके पास एक आ, मैं सुन रहा हूँ तो अभी भी एक, एक लैंड है जो मंदिर से एसोसिएटेड है तो वो मंदिर के मेंटेनेंस के लिए ही उससे जो भी हमारी अर्निंग होती है मंदिर के उत्सव प्रबंधन और उसी के लिए हम खर्च करते हैं लेकिन समय के साथ हमें लगा कि इसका और विस्तार करना चाहिए तो हमने एक स्कूल खोला प्लान है कि अभी तो वो उसमें क्लास टेन तक पढ़ाई होती है और आगे प्लानिंग है कि उसको और आगे ले जाएंगे तो फिर जब मैं आ, वहां से वापस आया यूएसए तो कहीं ना कहीं एक कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ आ, एजुकेशन में कुछ कर सकते हैं कहीं ना कहीं एक वो था कि आप साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं लगता था कि ये तो कुछ उसका उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए हाँ, इसके लिए तो वो एक एवेन्यू एक मिल गया मुझे कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं हुँ. तो स्कूल में पढ़ाई हो रही थी फिर मैं वहां पे गया तो जैसे कि अपने देश में एक है कि ज्यादातर बच्चों वो फैक्ट्स को मेमोराइज करने पे ज्यादा जोर देते हैं मैंने ये रियलाइज किया और उसको वो कोई वो उसके पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट है क्यों वो कोई चीज ऐसे काम करती है उसको समझने की कोशिश नहीं करते मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जैसे, जैसे कुछ जगह ये ऐसे ऐसे लर्निंग में कोई बुराई नहीं है क्योंकि नहीं। नहीं। है क्योंकि मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट भी जैसे अगर आपकी पीरियोडिक टेबल ही है तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहा है इसको अगर आप प्रॉपरली रिकॉल कर सके तो वो आपको हेल्प करता है कितना एटॉमिक नंबर है कितना मास नंबर है ये सब मेमोराइज कर सकते हैं आप इसके अलावा आपकी जो भी इस तरह की चीजें हैं वो मेमोराइज करना वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी है लेकिन पूरी तरह से उसी पे फोकस नहीं होना चाहिए तो मैंने देखा कि बच्चे मेमोराइज कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादा और इसके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो मैथमेटिक्स में एक, एक स्टेप बाद दूसरे स्टेप कैसे आया उसको कंप्यूट करने के बजाय उसको भी मेमोराइज कर लिए जैसे कि हम होता था ना कि हम कोई पोया ऐसे मेमोराइज कर लेते थे आ, तो जब हम छोटे थे तो वैसे ही वो कर रहे हैं तो मुझे लगा कि इसको एक तो चेंज करने की थोड़ी जरूरत है कैसे उनको थोड़ा डाइवर्ट करें इस तरह की वो चीजों को करके सीखे और दूसरा जैसे कि हम कहते हैं कि अगर साइंस पढ़ तो कहते हैं आव, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ये कहते तो है लेकिन बच्चों को बताते नहीं कि वो कौन सी आवश्यकता थी जिसकी वजह से ये कोई आविष्कार हुआ बिल्कुल उसका दिल्कुल। था था। दिल्कुल। बताया जाना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोगों ने जो उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कैसे थॉट प्रोसेस था कैसे वो आगे बढ़े जैसे कि अब बच्चों को अगर हम एटॉमिक मॉडल ही बता रहे हैं तो एटॉमिक मॉडल में कैसे वो धीरे धीरे समय के साथ हुआ? का कुछ और तो इवॉल्व होती हैं तो ये जब उनको एक उसका कॉन्ट्रेक्ट समझ में आएगा और कैसे एक्सफेमेंटली उन्होंने उस निष्कर्ष पे पहुंचे क्यों इससे ये होता है उनको प्रेरणा मिलती है कि ठीक है यार इट्स ओके इफ यू फेल्ड आप

छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके उनको चीजें बताना जैसे वो एक्शन-रिएक्शन न्यूटन का जब वो पढ़ते हैं, तो बैलून आगे बढ़ रहा है तो एक तरह से वो एक बेसिक समझते हैं कि अब आप उसको करते हैं कि कैसे हमारा रॉकेट काम करता होगा जिसको आज हम स्पेस में सेटेलाइट भेजते हैं, को भेजा हैं तो एक उनको बेसिक चीजें ये समझ में आती है तो एक तो ये चीजें मैंने देखी दूसरा मैंने देखा कि बच्चे हेसिटेट करते हैं जो सबसे बड़ा क्या सोचेंगे, टीचर मेरे बारे क्या सोचेंगे? तो ये मैंने कोशिश की इसके लिए मैं जो हमारे जो टीचर्स थे हमारे स्कूल के उनके साथ भी बैठ के मीटिंग कर करके उनको समझाने की कोशिश करता था कि उनकी झिझक को दूर करना चाहिए कि ठीक है आपने दिया कोई बात नहीं है और आप एक आप आंसर तो दीजिए होता ये है कि कई बार बच्चे क्लास पास कर जाते हैं बट फॉर द एंटायर ईयर दे हैवंट अटर्ड अ सिंगल सेंटेंस तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ बस आप एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचते जा रहे हैं लेकिन आप आपको वो, टीचर वो से बात व्यवस्था बै, है ना मैं मैं भी क्योंकि हाँ। एजुकेशन से जुड़ा रहा हूं और मैं ये देखा हूं कि मतलब जो जो डिफरेंसेस है ये जो अपने जो एजुकेशनल सिस्टम है ये काफी इवोल्यूशनरी होता है, है. हाँ। है, है ट्रेन कर सकें कि कैसे दिल्कुल, दिल्कुल। मतलब आपको अप्रोच करना है कि हाँ। तो, वो हाँ। तो थोड़ी परेशानी आती है लेकिन मुझे हाँ। मुझे ये ल, अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी ये सब पहल जो है ये कहीं ना कहीं हाँ। रंग लाएंगे क्योंकि ये ये जो बदलाव है ना ये छोटे छोटे बदलाव भले ही देखने में छोटे लग रहे हो लेकिन आगे जाके इट विल इट विल क्रिएट रियली अ गुड इंपैक्ट क्योंकि आप आप सिर्फ एक मतलब एक ज़ॉम्बी नहीं बनाते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बस एक मार्क मार्क्स बेस्ड पर्सनालिटी मत क्रिएट कीजिए बल्कि एक ऐसे यूथ को इवॉल्व करिए जो कि स्वावलंबी हो सके जो सोच सके हाँ। जो कि स्ट्रेस को काउंटर कर सके उस चीज की कमी है उस चीज की कमी है हाँ, और तुम तो खुद इस जर्नी से गुजरे हो तो तुमको वो उस चीज नहीं कई बा, कई बार हमें भी लगता है कि ये चीज हमने खुद पढ़ी थी तो ऐसे नहीं था अगर हमने इसको ऐसे पढ़ी होती तो शायद हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते तो फिर मैंने देखा है बहुत स्ट्रॉन्ग टूल जो है जिसको इजिली आप इम्प्लॉय कर सकते हैं कि, कि किसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को आप एनिमेशन या विडियोज की सहायता से आप बताए बच्चों को देन दे कैन विजुअलाइज दैट थिंग कि हाँ ये चीज ऐसे काम करती है और ये, ये अगर दूसरे से इंटरेक्ट करेगी या ऐसे वो आगे बढ़ेगी तो इस तरह से वो दू, दूसरे चीजों से वो कैसे जुड़ेगी तो इसको वे कर पाते हैं हैं तो आजकल ये है कि अगर आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल वीडियोस एनिमेशन अवेलेबल हैं तो आप एक प्रोजेक्टर लगा दें और कोई एक अच्छा सा एक रूम जिसमें स्क्रीन करके और वो बच्चे तो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों जो है वो सब उसको इंजॉय करते हैं दूसरा एक और चीज जो मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि बच्चों से क्वेश्चन मतलब कि कि तो जिनका आंसर किताब में नहीं है और बच्चों को आपस में उसका डिस्कशन करने मॉडरेटर की भूमिका में हो टीचर वहां पे अब जैसे कि और उनके गांव के ही बारे में बात करें जैसे गांव में अभी मैंने देखा कि मेरे ही गांव में हैंडप में पानी जो है वो सभी जगह पीने लायक नहीं है मैंने कई बार देखा कि हमारे मंदिर में लोग गैलन आते थे पानी भर के जाते थे तो फिर मैंने पूछा वहां ऐसा क्यों है गाँव में तो पानी साफ होता है बोले नहीं अलग अलग जगह पे पानी साफ नहीं है कई जगह का पानी पीने लायक नहीं आता है मटमैला आता है तो है। फिर जैसे कि अभी धीरे धीरे हमारा तो वैसे निच, निच, निच,

आ, तो, ये, ये मुझे हाँ, एक अच्छा चीज लगा कि जैसे जो हाँ, जो हायरकी है उसको तोड़ अगर दिया जाए कि मतलब वो शिक्षक हाँ, है विद्यार्थी और सभी एक कलेक्टिव लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जब जो कि जो है, जो जो कि कि शिक्षक शिक्षक है है तुम एक बात बोले मॉडरेटर का, का काम करे मॉडरेट हाँ, कर रहे हैं आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस के डिस्कशन में और आप सबको हाँ, मौका दे रहे हैं बोलने का मिल बैठ के राउंड बना के बैठे हैं और उस उसपे चर्चा हो रही है तो उसमें ये जो जो एक तरह का इनहिबिशन होता है कि हम क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं और दूसरा एक चीज हाँ। और मुझे अच्छा लगा कि अपने जो लोकल इश्यूज हैं जैसे गांव के जो इश्यूज हैं या गांव की जो हाँ। बातें हैं उसको इंटीग्रेट करना और उस समस्याओं को सामने लाना ये हाँ। ये ये अपने आप में एक अच्छा चीज है जो कि हाँ, मतलब उन्हें भी कनेक्टेड फील हो हां कुछ ज्वलन समस्याएं इसमें अपने आप आ जाती हैं जैसे कि ओपन डेफिकेशन है तो अगर पानी गंदा आ रहा है तो उसका एक कारण ये भी है कुछ आ, बच्चों ने पॉइंट किया कि आ, अभी मैंने देखा है गांवों में जैसे सरकार की योजना है जिसमें वो शौचालय बनाने के लिए अनुदान देते हैं शौचालय बन भी जाते हैं लोग लोग लो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं आ, तो कुछ उनके रूढ़िया उनके दिमाग में है उनके उनको लगता है कि खुले में हम टहल के जाते हैं तो हमारा पेट ज्यादा अच्छे से साफ होता है और वो ज्यादा हेल्दी है और उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको वो नहीं रिकोगनाइज कर पाते कई बार जो गांव में नहीं उतने शिक्षित लोग हैं

वहाँ पे अगर आप ओपन तो डिस्कशंस करते हैं तो वो तो भाई एक uh, हाँ। बाई मतलब, डायरेक्शनल है है। हाँ। तो ये, ये आज के डेट में मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्था हाँ। की जरूरत खास करके वैसे स्कूल और वैसे गांव के जो अध्ययन केंद्र हैं हाँ। वो एक मतलब दे कैन बी टॉर्च बियर ऑफ सोशिएटल चेंज और वो वो पॉसिबल है हाँ. और इसके लिए हमको बहुत हाई इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब की जरूरत नहीं है बस टीचर को एक्टिव हो अवेयर हो बच्चों को कर कर सके और इतने से वो से वो खुद सीखना शुरू देते हैं हुँ. तो हमें बहुत ये जो गैजेट हैं टूल्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती ये सब चीजों के लिए अवेयर करने के लिए और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं तो एक ये अच्छी शुरुआत होती है और दूसरा एक चीज और भी है कि ये सब ये सब चीजें अगर आप बच्चों में ही ये कल्चर अगर आप इंकल्केट करते हैं सफाई का

उसके बाद उसको ये भी एक कौन सा नहीं कि यो जो कूड़ा उसका डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा इसके माध्यम से जो सर्कुलर इकोनॉमी अभी जिसकी हम बात करते हैं बड़े बड़े, बड़े लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम कूड़ा जो है कैसे पॉलिथीन का प्रयोग कम करें जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके लिए कहीं पे पिट बना के और उसको इस तरह से हम प्रोसेस करें कि वो खाद के रूप में इस्तेमाल हो सके बच्चे कहीं ना कहीं ये देखते भी है घरों में जो गाय और भैंस का जो गोबर होता है तो वो खाद के रूप में इस्तेमाल होती है तो बाकी जो और वेस्ट निकल रहा है उनके घर में से जो जैसे भोजन का जो छिलका है जो ये जो पुआल निकल रही है जिसका इस्तेमाल कई बार नहीं होता है या इस तरह की जो चीजें हैं या जैसे पराली जलाने की जो समस्या है तो कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ मैन्योर और एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द फॉर द लैंड तो वो वो बच्चे इसके लिए खुद ही जो चीजें आप सरकार प्रमोट करने की कोशिश करती है तो इंट्यूटिवली बच्चे उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं तो ये मैंने देखा कि इसका ये पॉजिटिव इंपैक्ट वो आ रहा है तो ये मुझे लग रहा है कि तो, तुम तुम्हारा जो मतलब कलेक्टिव uh, नॉलेज है जो कि ओवर द इयर्स डेवलप किया है मुझे लगता है कि ये जो ये जो चीज है ये अब ग्राम uh, जो गांव है गांव के परिवर्तन में सहायक हो सकती है और बसरते अब तो एक नया रोल तुम्हारे माथे पे है उसके बारे में थोड़ा बताओ कि ये कैसे हुआ और आ... हाँ तो ने... फिर मैंने ये देखा कि ये तो ठीक है ये बहुत सारी योजनाएं भी हैं लेकिन इसमें एक ये भी होता है कई बार एक जो समस्या आती है वो इस तरह के कामों के लिए फंडिंग की कि आपके पास रिसोर्सेज उतने नहीं है और मैन पावर भी नहीं होता है कई बार आप आपको पता रहता है कि हाँ ये चेंजेस हो सकते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है बस रिसोर्सेज की जरूरत है मैन पावर की जरूरत है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं ये जो चीजें हैं इनको आप जैसे स्वच्छ स्वच्छता मिशन है तो स्वच्छता मिशन में ही इस तरह के प्रोविजन हैं कि आप अपने गांव में आप मनरेगा के स्कीम मजदूरों का इस्तेमाल करके और आप पिट को की खुदाई कर सकते हैं उसमें कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं उसमें जो वेस्ट निकल रहा है उसका डिस्पोजल, डिस्पोजल कर सकते हैं इसके अलावा आप जो आपका नालियों में जो पानी बह रहा है जो सड़कें हैं उसमें जो पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो सबके मेंटेनेंस के लिए गाँव में बहुत ज्यादा अगर आप एक बार अच्छे से वो सड़क बन जाती है नाली बन जाती है तो वो अच्छे समय तक चलती है वो तो मुझे लगा कि अगर उस मैं अगर किसी प्रकार से उसका ट्रांस ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन कर सकूं जो होता यह कि बहुत सारी सरकारी योजनाओं में जो समस्या है भ्रष्टाचार की लीकेज की कि फंड आते तो हैं लेकिन प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होते हैं नहीं। तो मुझे लगा कि अगर बहुत सारी जो समस्याएं जो इस तरह की हैं वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से वो हैं तो अगर इसमें अक्सर होता है कई बार जनप्रतिनिधि होते हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट कई बार आ जाता है जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं आती हैं तो मुझे लगा कि अगर उसको हम कम कर सके आ, इतनी जल्दी मेरे ख्याल से उसको पूरी तरह तो से लिमिट करना तो संभव नहीं होगा क्योंकि उसके इसके अलग अलग स्तर हैं लेकिन अपने स्तर पर तो मैं हाँ लेकिन मैं ईमानदारी या आप हाँ। आपको अपने हिसाब से क्या नहीं मतलब आप हाँ। शुरुआत खुद से कर सकते हैं धीरे-धीरे हाँ। आप आगे बढ़ेंगे दूसरों करेंगे लेकिन शुरुआत हाँ। तो आपको खुद से ही करना है खुद से ही करना है बिल्कुल हाँ तो फिर आ, मुझे लगा कि अगर मैं इसमें कंटेस्ट करूं हाँ। और आ, अगर मुझे मतलब सफलता मिलती है तो जरूर मैं इसका आ, कुछ चेंजेज ले पाऊंगा सरकारी जितनी भी योजनाएं है चाहे वो सड़क बनाने की हो नाली नहीं 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 बनाने की हो शौचालय की हो वृक्षारोपण है स्वच्छता मिशन है और तो उसके लिए मैंने ये किया कि आप लोगों के सामने ये विजन लेके गया कि देखिए मतलब मैं नया हूँ कोई अनुभव नहीं है मेरा राजनीति का लेकिन लोगों को एक तो मेरा जो जो गुरु जी ने मेरे लिए जो एक जो एक डायरेक्शन उन्होंने किया था, तो मुझे मठ से कहीं कहीं लोग हाँ, लो पहले भी जब हम लोग इस तरह के किसी आ, आ, जब प्रधान नहीं होते हैं तो उस समय भी आप बहुत सारी समस्याओं को छोटी मोटी लेके लोग हमारे पास आते थे कि ये समस्या है यहाँ पे कहीं पे सड़क की समस्या है कहीं पे गड्ढे की समस्या है कहीं पे पानी की समस्या है तो फिर अपने स्तर पे जो संभव होता था हम कर पाते थे लेकिन फिर हमें लगा कि अगर उसको हम इंटीग्रेट कर सकें जो और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है अपने विजन के साथ तो वो ज्यादा अच्छे चेंजेज उसमें ले आए जा सकते हैं ज्यादा बेटर इम्पेक्ट दे सकता है उसका तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया मेरे विजन को और जगन्नाथ जी की कृपा से और मतलब मुझे वो लोगों ने चुन भी लिया तो एक, एक व्यवस्था मुझे लग रहा है कि अपने आप जो सामने निकल हाँ। के आ रही है कि तुम्हारा जो वैज्ञानिक सोच है और जो वैज्ञानिक जो अ, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है वो उस गांव मतलब अभी तो थोड़ा अतिशयोक्ति होगा कुछ कहना क्योंकि अभी तुम इस रोल में जस्ट आए हो हाँ। लेकिन जिस विजन के साथ तुम एजुकेशन को देख रहे हो या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देख रहे हो मुझे लगता है कि अगली बार जब हम लोग बात करेंगे या अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारे पास कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स होंगे कि कैसे तुमने इस परिवर्तन के जो स्लो चलती जो व्हील है उसको उसको तुमने गति प्रदान की और ये ये भी अपने आप में एक मतलब रोचक चीज है जानने के लिए कि जैसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है मंदिर से और हाँ, उस आस्था को विकास के लिए प्रयोग करना ये भी अपने आप में हाँ, मतलब ये ये जो है कि उनका जो ट्रस्ट है उनका जो ट्रस्ट है हाँ, उस ट्रस्ट पे बिल्डअप करना कि देखो मतलब ये ये सिर्फ आस्था का ही विषय नहीं है ये तुम्हारे जो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को भी सक्षम रूप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो ये ये चीज मुझे अच्छा लग रहा है और ये जो तुम्हारा विचार है हां ये बहुत अच्छी बात कही तुमने कि जो आस्था को जो

अब इतनी पुरानी मंदिर का संरक्षण और उससे जुड़ी जो व्यवस्था है उसका उ, उसको चलाना और साथ में एक एक ऐसी पद्धति को विकसित करना जिसमें वैज्ञानिक सोच हो और तुम्हारे पास तो एक एक बैटरी ऑफ अच्छे सोचने वाले लोग चारों तरफ हैं वैज्ञानिक हैं तुम्हारे कितने सारे मित्र हैं इर्द गिर्द तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम आइडियाज को आउटसोर्स करोगे और सबसे जो बेटर आइडियाज है उसको लेके कुछ

और इस आइडिया को हमने इम्प्लीमेंट किया और इससे लोगों के जीवन में कुछ बेहतर बदलाव आया गाँव के लोगों तो ये और ये जो तुम्हारा पूरा हाँ, पूरा का पूरा जो परिवर्तन है वो वर्ल्ड से से ले लेके माइक्रो माइक्रो और एकदम मुझे लगता है कि अध्यात्म की ओर भी है और सामाजिक कार्य क्षेत्र की ओर भी है तो इसके लिए मैं तुम्हें ढेरों ढेरों बधाइयां दूंगा ब्रिजेश तुम तुम इतना मतलब हमेशा तुमने जो है ऐसे कदम उठाए हैं जो की चैलेंजिंग है पाथलेस ट्रेवल वाला जो बात हम लोग करते हैं कि केमिस्ट और फिजिक्स फिजिक्स की केमिस्ट्री और फिजिक्स की ट्रेनिंग होने के बावजूद भी तुम छलांग लगाते हो बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी में जहाँ पे बायोलॉजी तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आती है तुम एक नए सिरे से थोड़ा मतलब टेंथ तक पढ़ा है लेकिन वो चीज नहीं हाँ। आती जो तुम्हें जानना चाहिए और फिर वहां से शुरुआत करते हो फिर अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के

पीक पे तुम पहुंच रहे हो, हो एक, एक गांव के परिवेश में आप शहर में पले हैं बड़े बड़े जगहों पे रहे हैं लखनऊ में आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की उसके बाद बिल्कुल ही महाराजगंज के एक छोटे से गाँव फिर आप अपना डेरा डालते हो और वहां से अपनी विकास गाथा फिर से शुरू करते हो तो ये ये मुझे लगता है कि जो मतलब अगर कहें कि अब तो समय समाप्त हो रहा है लेकिन फिर भी अगर जल्दी से अगर तुमको कुछ कहना हो जो लोग निराश हो जाते हैं या जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बस यही लिमिट है एक कोर्स बुक और एक करियर के पीछे जो भागते हैं उनके लिए तुम्हारा मतलब क्या संदेश होगा मोटा मोटी हाँ एक संदेश यही है कि आप जैसा कि गीता में कहा भी है भगवान ने

वो वो, हमारी हाँ, भूल वो, है, हाँ, हाँ, वो हाँ, हमारी भूल भूल है है हाँ, उसमें दो है एक तो वो वो उस उसपे आपका नियंत्रण नहीं है आप सोचते हाँ, हैं कि आपको मिलना चाहिए ये आपका सेंस ऑफ है हाँ, जरूरी नहीं है बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की हुई है जिनको जॉब नहीं मिलती है हम रियलाइज नहीं करते हैं हमको लगता है कि हमने एक इतने इतनेट्यूट से हमने पी एच डी किया बाहर जाके हमने रिसर्च की इतने अच्छे हमारे पब्लिकेशन हाई इम्पैक्ट के और उसके बावजूद हमें नहीं मिल रहा है लेकिन नहीं इसमें बहुत सारे अपने देश में जो इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं रोजगार से तो उससे ये 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 बहुत सारे लोग के सामने ये समस्याएं हैं और दूसरे अगर आपको वो नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत एक एलिमेंट ऑफ जो ये है जो कहते हैं डिवाइन प्लान जिसको लक भी लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट है आपने बहुत आप उदाहरण के लिए बहुत अच्छी आपने तैयारी की इंटरव्यू की

एक आपको जो कहते हैं ना कि बिल्कुल मूव बिल्कुल 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 बिल्कुल। है, है, है तो बिल्कुल। आपको ये एक समझ होनी चाहिए कि कब अब मुझे उसको छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है तो बहुत बताई है दोनों बात मैं एकदम नोट किया हूं और मुझे ये अच्छी लगी पहला है कि एक कॉस्मिक प्लान है तुम्हारे लिए कॉस्मिक प्लान है और तुम उससे जब रेजोनेट मतलब हम लाइफ में चल रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन हो एक ही ये हो तो उस डिवाइन प्लान के साथ अपना रेजोनेंस को सेट करना ही पूरा जो है पर्पज तुम्हारा डिफाइन करता है किधर की तरफ जाओगे और हो सकता है कि आप जब उसमें उससे अलाइन होते हैं तो फिर ये जो टाइम और स्पेस और वर्क का जो थकावट है वो बिल्कुल ही नहीं रहता है जैसे म्यूजिशियन म्यूजिक है। बजाता है वैसे ही आपका काम काम हो जाता है बस इट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ योर मतलब अभिव्यक्ति हो जाती हो वो काम नहीं रह जाता हाँ। वो काम नहीं रहता हाँ। सही बात है फिर आप उसको जब आपका उसमें ये भी जुड़ जाता है आपकी जो एक विजन की जो क्षमता है और जो आपका जो एक उसके साथ आपका जो जुड़ा हो है, जो भावनात्मक तो फिर आप उसको एंजॉय करने लगते हैं काम की तरह आप आप उसको नहीं लेते तो पैशन हैं पैशन और तो... प्रोफेशन दोनों मिल गया एक तरह से। हाँ, तो, आप, तो... आप, आप उसमें करते रहिए और देखिए कि क्या आप जरूरी नहीं है कि आप एक प्लान को छोड़ के दूसरा प्लान आपने किया जरूरी नहीं हो सकता उसमें भी फेल्योर हो फेल्योर से डरना नहीं है आगे बढ़ते रहना है अगर आप मैदान में टिके रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही मैदान छोड़ के भागिए नहीं बिल्कुल